नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी लगातार डॉटन से आप सभी का स्वागत करती हूँ MGM अस्पताल में, जहाँ पर जिला प्रशासन के द्वारा कोविड जांच की नई व्यवस्था आज से ही शुरू की गई है। तो चलिए हम जानते हैं कि अब तक यहाँ पर कितने लोगों ने अपनी कोविड जांच करवाई है और जितने भी लोग OPD में जा रहे हैं उनके सामने कोविड जांच को लेकर क्या कुछ समस्याएं आ रही है या फिर वो खुशी-खुशी अपना कोविड टेस्ट करवा रहे हैं, तो हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जी, हम आप इलाज करवाने के लिए आए हैं? नहीं, पहचान को देखने आए हैं। पहचान को देखने के लिए आए हैं? आपसे क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कोविड टेस्ट करवाने के लिए? तो आप वापस जा रही हैं, क्या कुछ दिक्कत आ रही है कोविड टेस्ट करवाने? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर आप करवा लेते हैं? करवा लिए हैं। अच्छा, पहले भी करवा चुके हैं? करवा चुके, सुई भी ले चुके हैं, पहला डोज ले चुके हैं। अच्छा, लेकिन अभी तो ये नया सिस्टम है कि आपको यहाँ पर करवाना पड़ेगा, आज ही से शुरू हुआ है। अभी दूसरा डोज भी मेरे को लेना है। वो तो सभी लोग ले रहे हैं, बट स्टिल करवा लेना चाहिए एक बार टेस्ट। ठीक है मैम, अब वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस मैं पेशेंट को देखने जा रहा हूँ। अच्छा, पेशेंट को? हाँ। ओके, बताइएगा अपना कहाँ से आया है? यहाँ पर OPD में जांच करा। हाँ, लेकिन यहाँ पर अभी आज से ही कोरोना टेस्ट का ये नया, आपको पता था इस बारे में? नहीं नहीं, पता नहीं था, फ्रेंड एक है उन्होंने बताया कि होगा, उसके बाद ही OPD में जाना। अच्छा, तो व्यवस्था यहाँ पर कैसी है यहाँ पर कोरोना टेस्ट की? अभी तो ठीक ही है, लग ही रहा है, देखते मेडिकल टीम भी काम कर रही है, पुलिस वाले लोग भी कर रहे हैं। भगवेड़ा से। नाम बताइएगा। ये जो नया व्यवस्था क्या गया है यहाँ पर OPD में, मतलब लोग बहुत दूर दूर से आते हैं इलाज करवाने के लिए, ये कोरोना टेस्ट की जो नई व्यवस्था की गई है यहाँ पर, क्या कहेंगे इसको? ये बहुत अच्छी पहल है, अच्छी पहल के लिए और अपने बचाव के लिए। इससे पहले ही कर देना चाहिए? जी सर, तो इतना फिर होता नहीं। मानगो गोल बस्ती से यहाँ पर पहली बार कोरोना टेस्ट का ऐसा OPD में इलाज करवाने के लिए आए हैं? गलत दिखा लिया। अच्छा, यहाँ पर कोरोना टेस्ट की जो व्यवस्था की गई है इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कोरोना चेक करा लेने से अच्छा ही है, मैंने अपना जीवन के लिए तो ठीक ही है। ऐसा नहीं लगता कि ये पहले ही कर देना चाहिए था प्रशासन को? वो तो है, लेकिन क्या बोलेंगे, कराना तो बहुत ज़रूरी है ही है, देने आए हैं, देखिए कराने तो आए हैं। कितने लोगों ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया है और कितना किट है आपके पास? मेरे पास किट है अभी 150 किट है। 150 किट? तो ये 150 किट तो मतलब कुछ ही घंटों में फिर खत्म हो जाएगा, उसके बाद? घंटों में नहीं, जो आदमी के ऊपर होता है 2-3 घंटे में कर लेते हैं। अच्छा, 2-3 घंटे, 3 बजे तक का ये है, और उसके बाद फिर अब अगले दिन होगा टेस्ट? अगले दिन डेली होगा? डेली होगा ना ये? नाम बोलिएगा अपना। दुर्गावती देवी सर, अपना नाम बोलिएगा थोड़ा सा। मेरा नाम है आदि पासवान। आप यहाँ पर इतने देर से, जब से ये कैंप लगा हुआ है तब से आप लोगों को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं और यहाँ पर लाइन लगवा रहे हैं, लोगों की क्या कुछ प्रतिक्रिया आ रही है? करवाना जरूरी, चेक करना बहुत ज़रूरी ना है, इसलिए कि इन लोग के अपना सेपरेट है कराने में, इसलिए लाइन लगवा के करवा रहे हैं चेक। लोगों की आना कानी भी हो रही है? ना ना, कहीं नहीं, करवा रहे हैं, सुरक्षा से करवा रहे हैं लोग, अपने स्वेच्छा से कर रहे हैं ना, आना कोई बात नहीं। ओके, तो जैसा कि हमने देखा कि लोग यहाँ पर स्वेच्छा से अपना कोविड टेस्ट करवा रहे हैं, OPD में जाने से पहले सभी पेशेंट स्वेच्छा से अपना कोविड जांच करवा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर जो उठता है वह है कोविड किट की, जो जांच किट है उसकी कमी की, क्योंकि यहाँ पर जो जांच टीम है जो मौजूद है उनके पास केवल 150 किट है, जिसमें से 69 किटों से कोविड जांच हो चुकी है। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो लाइन है ये अभी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर ये पूर्वी सिंहभूम का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है और यहाँ पर लोग आते रहते हैं इलाज करवाने के लिए OPD में। ऐसे में यदि किट कम पड़ जाता है तो जिला प्रशासन की ये जो कोविड जांच की व्यवस्था है वो यहीं पर ठप हो जाती है। हालांकि जांच टीम का कहना है कि 3 बजे तक किट पर्याप्त है, परंतु यदि इस दौरान भीड़ ज़्यादा होती है तो सभी लोगों का पर्याप्त ढंग से टेस्ट नहीं हो पाएगा।
तो इस पर जिला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि यहाँ पर ओपीडी सेवा में लोगों के लिए कोविड टेस्ट की जाती की व्यवस्था की गई है तो पर्याप्त किट हो जिसके माध्यम से सभी लोगों का कोविड टेस्ट अच्छे से हो सके। इसी के साथ मैं राजलक्ष्मी जमशेदपुर से। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।